शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। के बोलियो तू आसू, तू ब्याह करने को राजी है? आपने बिल्कुल सही सुना, मैं रुक्मी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। किसू के बापू, आपने सुना है आसू की कह रहा है? रुक्मी, रुक्मी बेटा, ये सुना तूने? अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है, वैसे भी मैंने तो जवाई साहब को भी बोल दिया है कि छोड़ दो रुक्मी को, और उन्होंने भी कहा है कि वो विचार करेंगे। पर हवेली वाले क्या कहेंगे? अरे हवेली वालों को तो खुशी होगी कि मनुष्य रुक्मी उनकी आंखों के सामने से हमेशा के वास्ते दूर हो जावे, और वैसे भी दासियों की कमी ना है, वो लोग तो हजारों दासी रख लेंगे। आंसू जैसा छोरा रुक्मी को 7 जन्म तक ना मिल सकेगा। क्यों नहीं रुक्मी, थारा तो ये बचपन का दोस्त है ना, थारे को क्या इतराज होवेगा? ना मने तो लागे है कि रुक्मी को ये रिश्ता मंजूर ना है। काका साहब, मैं बात करता हूँ रुक्मी से। एक अनाथा, मारे जीवन में पहले ही इतनी परेशानियां हैं, तो फिर काहे आप बार बार मारे सामने विपदा खड़ी करके मारे को धर्म संकट में डालो हो प्रभु। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जो भी कहा वो सच है रुक्मी। हम बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ये रिश्ता दोस्ती की हद कब पार कर गया मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए शायद आज तक मैं शादी नहीं कर पाया। शायद हर लड़की में मैं कहीं ना कहीं तुम्हें ही ढूंढता रहा, जिसका एहसास मुझे आज हुआ, और शायद इसलिए मेरे मुंह से तुमसे शादी करने की बात निकल गई। आशु, वो मैं बस इतना जानू हूं कि जो तुम चाहो वो ना हो सके। मेरी बात को समझो, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इस रिश्ते से इतनी तकलीफ मिलने के बाद भी तुम क्यों उससे जुड़ी रहना चाहती हो? तुमने मेरा प्रस्ताव क्यों ठुकराया, जबकि हवेली वालों ने भी बार बार तुम्हारा कितना अपमान किया है? बोलो रुक्मी, क्यों? आशु, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक इंसान से प्रेम किया है और हमेशा करती रहूंगी। ठाकुर साहब के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मारे लिए मरने के समान होगा। पर मैं क्या करूं आशु, मारी मांग में आज भी उन्हीं का सिंदूर है, यही मारा मान है। उनके अलावा मैं और किसी के बारे में ना सोच सकूं। अगर मुझे पता होता कि मेरी इस बात से तुम्हें इतना दुख पहुंचने वाला है तो फिर अपने मन की बात मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। मैं तुम्हारे आंसू पोंछना चाहता था रुक्मी, तुम्हें रुलाना नहीं। आई एम सॉरी, बस इतना याद रखना कि जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी तुम मुझे आवाज दोगी तो तुम मुझे अपने सामने पाओगी।
बहुत तकलीफ हो रही है। क्या जरूरत थी थारे को दूध पीने की? अरे थारे को क्या लगा कि गर्भवती महिला के लिए भेजे हुए दूध को पीने से थारा बांझपन दूर हो जाएगा, तू मां बन जाएगी? वो दूध मैंने रसाल वास्ते भेजा था, तो क्यों गटक गई तू? मां साहब को किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा कि मैंने वो दूध पी लिया या फिर रसाल ने वो दूध ना पिया इसलिए? ये बकवास कर रही है। मासा, जे रसाल वो दूध पी लेती तो आज उसकी हालत मारी जैसी हो जाती और उसके पेट में तो ठाकुर खानदान का वारिस पले। पद्मा, थारे में जरा सी भी शर्म है? वहां रसाल बच्चा पैदा करके थारा सारा राज छीनने वाली है और तू उसके वास्ते मारे से बहस कर रही है। मासा, ऐसा तो ना है कि आप जान बूझ के चाहते थे कि रसाली वो दूध भी है? पद्मा, तुम्हारे से के करने जा रही थी? थारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है? मैं तो पद्मा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तू है, क्योंकि तूने ही वो दूध भेजियो तो। अरे उससे माफी मांगने के बजाय तू उसे भिंदनी। जी पापा सर। तू इन बातों से अपने आप को परेशान ना कर। अब कैसी है थारी तबीयत? कल से बेहतर है पापा सर। अच्छा, डॉक्टर यश राठौर थारा दवा पानी करेंगे। घणो अच्छो डॉक्टर है और अच्छो इंसान भी। वो भी आवेगा थारा चेकअप करने। ले लो, अब चॉकलेट से क्या गुस्सा? ओहो, टॉफी भी नहीं खानी है, मतलब बहुत गंभीर समस्या है। क्या हुआ किसु? जब ठाकुर साहब को रुक्मी जी से पहली बार मिलने तो तब उन्होंने भी मारे को इसी तरह टॉफी दी थी। तो इसलिए तुम मुझसे ये टॉफी नहीं लेना चाहते? काय मारी जीजी से सब नफरत करे, कहीं उन्हें रुलाते हैं। मारी जीजी ने तो किसी का भी बुरा ना किया, आज माने उन्हें फिर से मारू उसका। तो इसीलिए तुम दुखी होकर यहाँ बैठे हो? मारी जीजी खुश ना है तो मैं कैसे खुश रह सकूं? माँ तो जीजी से नफरत करे, माने लागे तो ये ठाकुर साहब जीजी को खूब खुश रखेंगे। उन्होंने मारे को वचन दियो तो जब हम पहली बार मूर्ति बेचते हुए बाजार में मिले थे। मूर्तियाँ बहुत बढ़िया बनाऊंगा। अरे सुनो, तेरी बेटी का हाथ मांगने आया। ढक दो इसका मनहूस चेहरा, ढक दो। हम चीजें अपने सासरे वापस आए तो घर वाले परिवार को काम निकाला देवेंगे, क्या करेंगे हम लोग? हम चाहते हैं कि रणवीर का घर फिर से बस जाए, उसका दूसरा ब्याह, तुम अपनी दूसरी छोरी रसाल का ब्याह रणवीर से कराओ। रुक जाओ रुक्मणी,
अब तू इस घर की बहू नहीं बल्कि दासी है, बल्कि दासी है, बल्कि दासी है। अब आप ही बताओ भाई रुक्मी जीजी का क्या दोष होवे, काय काना तो उन्हें इतना दुख देवे। दुख देने वाला तुम्हारी जीजी को खुशी भी देगा, विश्वास रखो। किसको फोन कर रही है? मन्ने ठाकुर साहब से बात करनी होगी जी, वरना ये मनुस हवेली जाके मारी रसाल का जीना दुर्भर कर देगी। अरे जीना तो तूने दुर्भर कर रखा है रुक्मी का, कोई जरूरत ना है किसी को फोन करने की। आप ही ने उसे सर पर चढ़ाया, इसलिए उसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि आंसू जैसे अच्छे छोरे का रिश्ता टुकरा कर हमेशा के लिए हमें दुख के खाई में धकेलना चाहिए। करना की चाहे ये जीवन भर के लिए मारी छोरी की छाती पर सोतल मरकर मुंह धरना या फिर हम दोनों के ऊपर बोझ बढ़ना। अब क्या हुआ, सुबह सुबह फोन करके? जमाई सा आई एम सॉरी, थोक दो मासा। खुश रहिए, पर ना जाने कैसे खुश रह पाएंगे आप। क्यों, क्या हुआ? ये रुक्मी ने तो जैसे कसम खा रखी है हम सबको दुखी रखने की, अरे आज आंसू ने उससे ब्याह करने का प्रस्ताव रखियो, पर इसने तो छोरी ने साफ मना ही कर दिया। अरे करना के चाहे है जीवन भर अपनी छोटी बहन और उसके बींद के बीच में दीवार बनकर रहना चाहे है। मैंने तो इसी में संतोष कर लिया था कि हवेली से काफी दूर है, रसाल से दूर है, पर आज आपके दादी सा का फोन आयो और इस रुक्मी को हवेली बुला लियो है रसाल की सेवा करने वास्ते। अब आप भी समझा सको ठाकुर साहब, इस तरह छोटी बहन की सोतन बनकर रहने से अच्छा है कि आंसू के साथ ब्याह करके सम्मान के साथ उसकी बीनड़ी बनकर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब और किसी को भड़काना बाकी है कि फोन वापस करेगी रुक्मी को? नाना बापू, माँ ये फोन आप अपने पास ही रख लो, ठाकुर साहब का हुक्म है ताकि आप रसाल की खुशहाली की खबर मिलती रहे। अरे थारे हवेली में रहते हुए रसाल की खुशखबरी की खबर कैसे आ सके है? न जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो माताजी महाराज ने मारे भाग में ये करम जली लिख दी।
मुमल, तुमने अपना सारा सामान अच्छी तरह पैक कर लिया है ना? कजरी, जी दादी साहब, रुक्मी को कमरा तैयार कर दियो, वो अभी आती ही होगी। जी दादी साहब, अभी कर दे। चलो कमल। जा मिदनी, तू भी आराम कर। कजरी हटिया। तू आज से बल्कि अभी से अचानक छुट्टी पर जा रही है, समझी? मारे से कोई गलती हो तो मने गालियां दे दो, पर मारे पेट में लात ना मारो। ये रोना धोना बंद कर, और मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। मैं थारी को नौकरी से ना निकाल रही हूँ, ये पीसे ले और चली जा अठे से। पर ठकराए एक बार और पढ़ बोली ना तो मैं थारे को अभी की अभी नौकरी से निकाल दूंगी। जा, इससे पहले कि कोई देख ले थारे को, जा अठे से। देखूं कि कैसे रुक्मी रोक पावेगी अपने आप को रणवीर के कमरे में जाने से। अब तो चंचल के जाल में तुझे फंसना ही होवेगा रसा। उससे ब्याह करने का प्रस्ताव रखियो, पर इसने तो छोरी ने साफ मना ही कर दिया। रुक्मी ने डॉक्टर यश से शादी करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर मुझे हल्का क्यों लग रहा है? आखिर क्यों सोच रहा हूँ इस इशू के बारे में मैं इतना? मैं तो रसाल से प्यार करता हूँ, रुक्मी से नहीं। फिर क्यों रुक्मी और डॉक्टर यश की दोस्ती मेरे मन में इतना खटक रही है? क्यों मैं उन दोनों को एक साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों चाहता हूँ मैं कि रुक्मी कहीं ना जाए? कहीं मुझे डॉक्टर यश से जलन तो नहीं हो रही? कहीं मैं रुक्मी के लिए बिना वजह पॉसेसिव तो नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है, क्या सोच रहा हूं मैं? कहीं मैं अभी रुक्मी से प्यार तो नहीं करता?